हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी पोएम सुनाने जा रही हूँ जो मुझे अभी अभी डाटा ऑन करने पर इंटरनेट पर मिली थी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसके एक एक शब्द दिल को छुएंगे और आप इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे याद तो नहीं है और मैं आपके सामने उस पोएम को मैंने लिख रखा है, मैं उसे आपके सामने वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप इन पूरे शब्दों को वास्तविक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। ओ नीली चिट्टियाँ कहाँ खो गई, ओ नीली चिट्टियाँ कहाँ खो गई, जिसमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, बीच में लिखी होती थी जिंदगी, प्रीतमा का बिच्छो, पत्नी की विशेषताएं, नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज में, जिसमें नवयौवना भागकर सीने से लगाती थी और अकेले में आंखों से आंसू बहाती थी। माँ की आस थी ये चिट्ठियाँ, पिता की संबल थी ये चिट्ठियाँ, बच्चों का भविष्य थी ये चिट्ठियाँ और गांव का गौरव थी ये चिट्ठियाँ। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल पर स्पेस भर जाए तो सब कुछ दो मिनटों में डिलीट हो जाता है। सब कुछ सिमट गया छह इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में, और इंसान सिमट गया पैसों में। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी यह छोटी सी कविता पसंद आई होगी और आप इन कविता के अंदर एक छोटे छोटे शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई एक्टिविटीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।